सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो पोकेमॉन राइटर्स हर एक एपिसोड या फिर मूवी के लिए स्टोरी लाइन क्रिएट करते हैं। कुछ स्टोरी लाइन्स पे मूवी या फिर एपिसोड बना दिए जाते हैं, बट कुछ स्टोरी लाइन्स को ड्रॉप कर दिया जाता है। और आज हम ऐसे ही टॉप 6 स्टोरी लाइन्स को देखने वाले हैं जिनको ड्रॉप कर दिया गया या फिर यूज नहीं किया गया था। तो हाँ, वीडियो काफी ज्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक जरूर देखना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1, एनिमे में ऐश की एज बढ़ने वाली थी। अब ये बात तो हम सबको पता है कि एनिमे के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक ऐश की एज सिर्फ और सिर्फ 10 है और ऐश की एज नहीं बढ़ती, बट ओरिजिनली ऐसा नहीं होने वाला था। और ये रिवील किया था पोकेमॉन के चीफ राइटर ताकेशी शुडो ने। उन्होंने कहा था कि पोकेमॉन के फर्स्ट मूवी में ऐश की एज बढ़ने वाली थी और शायद से वहां पे पोकेमॉन एनिमे खत्म भी हो जाता। और ये 90% कंफर्म था कि म्यूटू स्ट्राइक्स बैक में ऐश की एज बढ़ने वाली है। और इसका एक काफी बड़ा प्रूफ आपको इस लिस्ट के नंबर 2 पे देखने को मिलेगा। पोकेमॉन के चीफ राइटर ताकेशी शुडो ने यह भी रिवील किया था कि ऐश अब बड़ा हो चुका था और वो अपने चाइल्डहुड मेमोरीज को याद कर रहा होता है। ऐश अपनी जर्नी, अपने पोकेमॉन, अपने फ्रेंड्स और अपने स्टार्टर पोकेमॉन के बारे में सोच रहा होता है। तभी ऐश की मॉम आके उसको जगा देती है और दोबारा से वो छोटा हो जाता है और दोबारा से ऐश अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है। बट इस बार उसका गोल पोकेमॉन मास्टर बनना नहीं था, बट इस बार उसका गोल था एग्जिस्टेंस के मीनिंग को डिस्कवर करना और दूसरों के साथ कैसे रहा जाए। हाँ, ये काफी वियर्ड था, बट स्टिल इन सब चीजों को प्लान किया गया था। तो हायर ओरिजिनली ऐश की एज बढ़ने वाली थी, बट आगे जाके इसको कैंसिल कर दिया गया। और शायद से इन सब के पीछे का रीजन पोकेमॉन की पॉपुलैरिटी हो सकती है, क्योंकि उस टाइम पे पोकेमॉन काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था और इसको एंड करना सही नहीं होता। नंबर 2, पोकेमॉन के फर्स्ट मूवी का ओरिजिनल ट्रेलर। वेल, पोकेमॉन की फर्स्ट मूवी म्यूटू स्ट्राइक्स बैक काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाली थी, जो कि हमें उसके ओरिजिनल ऑफिशियल ट्रेलर से पता चलता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जापान में रिलीज हुआ था। इस ट्रेलर में हमें मिस्ट्री दिखाई गई थी जो कि बड़ी हो चुकी थी, और मिस्टी के साथ एक छोटी बच्ची भी दिखाई गई थी जो कि काफी ज्यादा ऐश के तरह दिख रही थी। इवन इसके बाद हमें पिकाचू भी दिखाया जाता है उस बच्ची के पास, और ये पिकाचू ऐश का था। तो हाँ, इन सब से ये पता चलता है कि इस मूवी में ऐश भी बड़ा हो चुका था। ऐश और मिस्टी की शादी भी हो चुकी थी, इवन उनकी एक बेटी भी थी। तो हाँ, पोकेमॉन मूवी म्यूटू स्ट्राइक्स बैक पोकेमॉन की फर्स्ट और लास्ट मूवी होने वाली थी, जहाँ पे ऐश बड़ा हो जाता, इवन उसकी शादी भी हो जाती। पर इसके बाद पोकेमॉन काफी ज्यादा फेमस हो गया तो इसको एंड करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया गया। पर हाँ, इससे ये कंफर्म हो जाता है कि ओरिजिनली ऐश की एज बढ़ने वाली थी। नंबर 3 पे आती है पोकेमॉन की थर्ड मूवी स्पेल ऑफ अननोन। अब इस मूवी की स्टोरी लाइन भी बिल्कुल डिफरेंट होने वाली थी। इस मूवी का एक ओरिजिनल ट्रेलर या फिर अर्ली ट्रेलर रिलीज हुआ था। इस ट्रेलर में जितने भी सीन्स थे वो इस मूवी में एग्जिस्ट नहीं करते थे, और इस ट्रेलर में म्यूटू भी दिखाया गया था जो कि इस मूवी के अंदर नहीं था। तो हाँ, पोकेमॉन की थर्ड मूवी स्पेल ऑफ अननोन काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाली थी अभी वाली ओरिजिनल मूवी से, जहाँ पे म्यूटू भी अपियर होता और काफी सारे ऐसे सीन्स होते जो कि अभी वाले मूवी में नहीं दिखाए गए हैं। नंबर 4, तो ऐश के पुराने वॉइस एक्टर वेरोनिका टेलर ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि ऐश का पहले नाम ऐश नहीं बल्कि केसी होने वाला था, और ऐश के हैट के लिए काफी सारे डिजाइन भी बनाए गए थे जिनमें से लास्ट में ये वाला डिजाइन चूज किया गया। पर आगे जाके जोटो में केसी नाम के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसको येल्लो स्ट्राइप्स वाले पोकेमॉन काफी ज्यादा पसंद थे, जैसे कि इलेक्टाबज या फिर पिकाचू, और इसीलिए ऐश ने भी अपनी बीड्रिल केसी को दे दी थी। और सिर्फ इसका नाम ही ऐश के पुराने नाम से इंस्पायर्ड नहीं है, बल्कि ऐश के हैट के लिए जितने भी डिजाइन बनाए गई थी उनमें से एक डिजाइन केसी के हेड से काफी ज्यादा सिमिलर थी, जिसपे एक थंडर का साइन बना हुआ था। बाय द वे, इनमें से एक हेड रेड के हेड से भी काफी ज्यादा सिमिलर है। तो हाँ, आप लोग ये मान सकते हो कि केसी ऐश की ओल्ड वर्जन है। नंबर 5, पोकेमॉन की सेकंड मूवी पावर ऑफ वन। अब इस लिस्ट के बाकी दोनों मूवी के तरह इसका कोई अर्ली या फिर ओरिजिनल ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ था, पर पोकेमॉन के चीफ राइटर ताकेशी शुडो ने काफी सारी चीजें रिवील की थी पोकेमॉन के बारे में। उन्हीं में से एक चीज पोकेमॉन के सेकंड मूवी के रिलेटेड भी थी, जहाँ पे उन्होंने ये बताया था कि इस मूवी में लिटरली पोकेमॉन का मेन कैरेक्टर ऐश नहीं होने वाला था। ऐश ने इस मूवी में काफी बड़ा रोल प्ले किया था, ऐश और लुगिया की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, और अगर ऐश इस मूवी में नहीं होता तो ये मूवी काफी ज्यादा डिफरेंट होती। जैसे कि ऐश ने ही तीनों लेजेंडरी बर्ड्स के स्पीयर को प्लेस किया था, जो कि थे लाइटनिंग स्पीयर, फायर स्पीयर और आइस स्पीयर। तो हाँ, अगर इस मूवी में ऐश नहीं होता तो ये मूवी काफी ज्यादा डिफरेंट होती। बाय द वे, इस मूवी में टीम रॉकेट भी नहीं होने वाली थी, जो कि ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता, क्योंकि टीम रॉकेट का ज्यादा बड़ा रोल नहीं था इस मूवी में। और ताकेशी शुडो ने काफी सारे नए कैरेक्टर्स को भी ऐड किया था इस मूवी में, बट बाद में जाके उन सारे कैरेक्टर्स को ऐड करने का प्लान कैंसिल कर दिया गया। ऑल्सो ताकेशी शुडो ने ही सिर्फ और सिर्फ सेकंड मूवी
के लिए लुगिया को डिजाइन किया था, बट आगे जाके इसको एनिमे और गेम्स दोनों में यूज किया गया। एंड ताकेशी शुडो ने इसको एक फीमेल पोकेमोन के तरह डिजाइन किया था, पर मूवी में लुगिया को मेल वॉइस दी गई थी जिसको सुनकर उनको काफी ज्यादा बुरा लगा, और लुगिया को जेंडरलेस पोकेमोन बनाया गया जबकि वो चाहते थे कि लुगिया फीमेल हो। नंबर 6, बैंड एपिसोड्स। अब बैंड एपिसोड्स के बारे में सबको पता होगा, काफी सारे एपिसोड्स हैं जिनको बैन किया गया है, जैसे कि हॉलीडे हाई जिंक्स, जिसको जिंक्स के ब्लैक कलर की वजह से बैन किया गया था। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सोल्जर पॉरीगॉन, इसमें काफी सारी ब्राइट लाइट फ्लैश हो रही थी जिससे काफी सारे बच्चों को सीजर हो गया। नेक्स्ट है पोकेमोन एपिसोड ब्यूटी एट द बीच। नेक्स्ट आता है द लेजेंड ऑफ ड्रेटिनी, ये वही एपिसोड था जहां पे एश ने 30 टॉरस को कैच किया था। इस एपिसोड में काफी बार गन्स का यूज किया गया था, इवन एक बार एश के सर पे भी गन को पॉइंट कर दिया गया था, इसी वजह से इस एपिसोड को बैन कर दिया गया। नेक्स्ट एपिसोड है द मैंडरिन आइलैंड मिसमैच। इस एपिसोड में एक छोटे सीन में जिंक्स अपीयर हुई थी जो कि इलाइट फॉर प्रीमा की थी, और फिर पोकेमोन सन एंड मून का एपिसोड 64 और द आइस केव, ये दोनों एपिसोड भी रेसिज्म के चलते बैन हुआ था। वेल तो गाइस ये था आज के इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, एंड दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन पीस आउट।